तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, स्नैपड्रैगन ने 4 सीरीज के अंदर एक नया प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है दोस्तों स्नैपड्रैगन 480। उसका दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही तगड़ा है, मतलब 7 सीरीज के जो भी प्रोसेसर आते हैं स्नैपड्रैगन के उससे कॉम्पीट करता है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इसका प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा कि इसमें दोस्तों आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है एंड किन किन फ़ोनों में आपको देखने को मिलेगा, कैसा कैसा फोन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरे नाम सौरभ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 4 सीरीज के अंदर पहला चिपसेट होगा जिसमें 5G सपोर्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, जो चिपसेट है वो 5G कॉम्पेटेबल है, साथ ही साथ 4G तो है ही, ठीक है। एंड जो चिपसेट है वो जिस फोन में आने वाला है, मतलब अंडर 10,000 to 15,000 के अंदर जो भी फ़ोन आएंगे 2021 में, मतलब 70% आप मान के चलिए 70% स्मार्टफोन जो है इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आखिर मतलब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस किस फोन में आने वाला है इस प्रोसेसर को, मतलब किस किस फोन में इस प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, आने वाले समय में 1-2 महीने में अंदर, ठीक है। तो चलिए पहले इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उस टॉपिक में बात करते हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेसर है वो है 8nm फिनफेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है, मतलब जो पावर एफिशिएंसी है, पावर सेविंग है, बहुत ही तगड़ा आपको मिलने वाला है। मतलब जितना nm का प्रोसेसर, जितना कम nm का प्रोसेसर होगा उतना पावर एफिशिएंसी, उतना पावर सेविंग आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो 8nm का प्रोसेसर जो है दोस्तों होने वाला है। इसका दोस्तों जो जो प्रोसेसर है वो 8 octa-core है, नो डाउट octa-core प्रोसेसर है। एंड जो आर्किटेक्चर है वो है क्रायो का 460 गोल्ड, जिसमें दोस्तों दो ऐसे कोर है, मतलब पावरफुल कोर है जिसका जो कॉर्टेक्स है आर्म कॉर्टेक्स A76, जिसका दोस्तों जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 की गार्ज का। एंड जो पावर सेविंग, मतलब पावर एफिशिएंसी जो कोर्स है 6 कोर्स, उसका जो यूज़ किया गया है वो है आर्म कॉर्टेक्स A55, जो कि दोस्तों अंडर क्लॉक, मतलब क्लॉक के अंदर है 1.8 GHz का, ठीक है। एंड इसके साथ दोस्तों जो ग्राफिक्स यूनिट यूज़ किया गया, मतलब जो GPU यूज़ किया गया है वो है दोस्तों एड्रीनो का 619। एंड आपको शायद मालूम होगा कि एड्रीनो का 619 किस प्रोसेसर में आता है स्नैपड्रैगन का। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 750G में आता है। मतलब अभी जो फ़ोन आप देख रहे हो MI का, मान के चलिए MI का 10 है जो आप यूज़ अभी करोगे, या फिर MI 10 में अगर आप देखोगे तो उसमें भी दोस्तों जो है एड्रीनो का 619 GPU, जो कि दोस्तों उसका प्रोसेसर है वो है 750G प्रोसेसर के साथ, वो वही GPU दिया गया है इसमें भी, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इसका जो पावर एफिशिएंसी है, ग्राफिक्स पावर प्रोसेसिंग है, मतलब बहुत ही तगड़ा होने वाला है। मतलब 4 सीरीज जो है 7 सीरीज को टक्कर देने वाली है इस प्रोसेसर के साथ, ठीक है। एंड कनेक्टिविटी दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसमें दोस्तों X51 का मॉडेम दिया गया है जो कि 7.4 GHz पे बैंड के ऊपर बेस्ड है। एंड जो डाउनलोडिंग स्पीड है 5G के अंदर वो है 2.5 Gbps के अंदर। एंड जो 4G के अंदर है वो है 800 Mbps के अंदर। एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो है 600 Mbps 5G के अंदर। एंड 210 मतलब 210 GB/s जो है 4G के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कनेक्टिविटी जो है बहुत ही इंप्रूव कर दिया है, बहुत ही इंप्रूव होने वाला है इस प्रोसेसर के साथ। एंड दोस्तों इसका जो कैमरा है, मतलब जो कैमरा सेंसर सपोर्ट होगा वो है अप टू 64 MP का कैमरा इसके साथ सपोर्ट होने वाला है। एंड जो स्पेक्ट्रा का, मतलब जो ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर जो यूज़ किया गया है वो है दोस्तों स्पेक्ट्रा का 345, ठीक है। तो कैमरा दोस्तों, कैमरा का जो क्वालिटी है बहुत ही इंप्रूव होने वाला इस इमेज प्रोसेसर के साथ। एंड दोस्तों डिस्प्ले के मामले में पीछे नहीं है, इसके साथ आपको इस प्रोसेसर जो है सपोर्ट करेगा 120Hz रिफ्रेश रेट, जो कि जो डिस्प्ले सपोर्ट होगा वो है फुल HD+, ठीक है, जो 4 सीरीज के अंदर पहली बार हो रहा है 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट होगा इस प्रोसेसर के साथ। एंड फुल HD+ का जो है रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों स्टोरेज का सपोर्ट होगा वो EMMC 5.1 का सपोर्ट, प्लस जो UFS 2.2 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X रैम का सपोर्ट इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड और कुछ कनेक्टिविटी के बाद अगर हम लोग करते हैं तो इसके साथ क्वालकॉम का 4+ का चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, प्लस ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलेगा, प्लस डुअल वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलेगा। एंड एक और एडवांस फीचर आपको देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों है इंडिया का नेविक GPS सिस्टम इसके साथ इन बिल्ड आएगा, मतलब इस प्रोसेसर में दोस्तों इसका भी सपोर्ट दिया गया, ठीक है। एंड NFC वगैरह तो जो भी नॉर्मल सपोर्ट है वो तो है ही, ठीक है। तो जो प्रोसेसर है बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, मतलब अंडर 10,000 से 15,000 के रेंज में मैक्सिमम फोनों में आपको इस प्रोसेसर
को यूज़ किया जाएगा, जैसा कि मीडियाटेक ने किया है डायमंड सीरीज 7 सीरीज के अंदर, मतलब उससे टक्कर दे रही है अभी स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन बोल रहे हैं हम भाई क्यों पीछे रहे, हम भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसी के वजह से दोस्तों 4 सीरीज के अंदर 5G चिपसेट लॉन्च कर दिया है स्नैपड्रैगन ने। जितना भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी स्पेसिफिकेशन के साथ जो चिपसेट लॉन्च हुआ है, वो सब कुछ दोस्तों जो है मैंने आपको डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दिया है। एंड चलिए अभी बात करते हैं कि किस किस फोन में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 1-2 महीने के अंदर। तो पहला जो स्मार्टफोन, मतलब जो पहला कंपनी होगा वो है ओप्पो, वीवो एंड MI, इसी कंपनी में आपको 1-2 महीने के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखने को मिलेगा। अंडर 10-15,000 के अंदर जो भी फ़ोन लॉन्च होंगे उसमें इसमें यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चिपसेट है वो एक बजट ओरिएंटेड चिपसेट है। 10-15,000 के अंदर, मतलब 10,000 to 15,000 के अंदर जो भी स्मार्टफोन आएंगे मैक्सिमम जो है इसी चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो पावर एफिशिएंट है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का जानकारी आज के वीडियो को पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।